दिल्ली शराब घोटाले में अदालत से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ने इसे त्याग बताया, बड़ा त्याग। केजरीवाल ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री का पदभार तभी ग्रहण करेंगे जब जनता की अदालत में उन्हें बेदाग होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसी समय उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि वो अपना मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ देंगे। नवरात्र के दूसरे दिन उन्होंने फ्लैगस्टाफ रोड पर जो उनका बंगला था उसे छोड़ दिया। अब वो 5 फिरोजशाह रोड के बंगले पर रहेंगे जो उनकी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल को अलॉट किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के रूप में पिछले करीब 10 साल से अरविंद केजरीवाल अब तक 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर सिविल लाइंस में ही रहते आए थे। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास 7 लोक कल्याण मार्ग करीब 14 किलोमीटर दूर था। दिल्ली के आम दिनों की ट्रैफिक में ये दूरी तकरीबन 1 घंटे में तय हो सकती थी, लेकिन अब वो लुटियन जोन में आ चुके हैं। पार्टी के सांसद अशोक मित्तल को बंगला नंबर 5 फिरोजशाह रोड पर अलॉट हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सब परिवार अब यहीं रहेंगे। इस बंगले से प्रधानमंत्री के आवास की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यानी ये कह सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के थोड़ा नजदीक आ गए। तो प्रधानमंत्री के घर से अरविंद केजरीवाल के घर की जो दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। इस नए बंगले में आकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब आ गए। अब वो ज्यादा जोर से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर देंगे, क्योंकि उनकी आवाज अब शायद जल्दी पहुंचेगी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को अलॉट हुआ नया बंगला 1 पंडित रविशंकर शुक्ला लेन फिरोजशाह रोड के ठीक पीछे है और अब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की सारी गतिविधियां यहीं से संचालित करेंगे। उनका आवास और पार्टी कार्यालय तकरीबन आसपास ही है। पार्टी की गतिविधियों के लिए वो अधिक समय दे पाएंगे ऐसा कहा गया। आम बोलचाल में धरना स्थल का नाम पा चुका जंतर मंतर भी इनके घर के ठीक पास होगा। कभी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जंतर मंतर ही हुआ करता था। जमानत पाने के बाद आपको याद होगा उन्होंने पहली जो जनता की अदालत लगाई थी वो जंतर मंतर पर ही लगाई थी। ये उनकी बड़ी पसंदीदा जगह है ऐसा कह सकते हैं। अब चुनाव के बीच जब भी उन्हें लगेगा कि देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो वो आसानी से जंतर मंतर की राह पकड़ सकेंगे, ऐसा उनके विरोधी और कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते दिखाई पड़े। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री वाले बंगले में कौन रहेगा, लेकिन हाँ इतना साफ है कि दिल्ली सरकार किसी भी हालत में इसे अपने नियंत्रण से जाने नहीं देगी। इस बंगले के निर्माण और साज सज्जा में भारी अनियमितता होने के आरोप बीजेपी हमेशा से लगाती रही है। वॉशरूम हो, कमोड हो, पर्दे हो, सब सुर्खियों में थे जब ये बंगला बनकर तैयार हुआ था। यदि किसी भी कारण से चुनाव के पहले इस बंगले पर उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार का नियंत्रण हो गया तो बंगले से वो जिन्न बाहर आ सकता है जो अरविंद केजरीवाल को शायद मुसीबत में डाल दे। केजरीवाल चुनावों के बीच गलती से भी ऐसा अवसर बीजेपी को नहीं देने देंगे, ये तो तय सी बात है। लिहाजा माना यह जा रहा है कि यह बंगला मुख्यमंत्री आतिशी को ही आवंटित किया जा सकता है। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ रही हैं तो इस बंगले को भला क्यों लेंगी, ये सवाल भी उठ रहा है। यानी ये बंगला भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरह चुनाव होने तक अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगा। आम आदमी पार्टी इसे अरविंद केजरीवाल का त्याग बता रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे अरविंद केजरीवाल की एक और नौटंकी करार दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना अरविंद केजरीवाल का त्याग नहीं, उनकी मजबूरी थी। अदालत ने उन्हें कार्यालय जाने पर किसी फाइल पर साइन करने से रोक लगा दी थी, ऐसे में बेचारे वो करते क्या, लिहाजा मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास खाली करना ही था। चुनाव के बाद वैसे भी उन्हें अपने घर में लौट कर जाना था, अच्छा हुआ कि उन्होंने पहले से ही उसकी तैयारी कर ली, लेकिन यह भी उनकी लोगों की सहानुभूति पाने की कोशिश है। शराब घोटाले, स्वास्थ्य और शिक्षा घोटाले में बुरी तरह से दागदार साबित हो चुके अरविंद केजरीवाल को जनता की सहानुभूति नहीं मिलेगी। विपक्ष की तरफ से उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अब अरविंद केजरीवाल नए घर की तरफ जा रहे हैं और ये नया घर प्रधानमंत्री आवास से बहुत नजदीक है, इसलिए ये कह सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के करीब जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।